सभी का ज्येष्ठ मणि गुरु में स्वागत करती हूँ। आज है 14 मई 2024 दिन मंगलवार। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कॉटन की दैनिक आवक में आई बढ़ोतरी को लेकर। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। आपको बता दें कि शो में दिए जा रहे सभी भाव व आंकड़े विश्वसनीय सूत्रों से एकत्र किए गए हैं। फिर भी कोई भी व्यापारिक निर्णय लेने से पहले आप स्वयं उसकी जांच अवश्य कर लें, और कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने वित्तीय सलाहकार से भी सलाह ले सकते हैं। ये सभी जानकारियां आपको अनुसंधान और शिक्षण के लिए ही दी जा रही हैं। किसी भी प्रकार के लाभ और हानि के लिए हमारा चैनल जिम्मेदार नहीं है, और साथ ही अन्य जानकारी के लिए शो के डिस्क्लेमर को ध्यान से अवश्य पढ़ लें। स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित बनी रहने से उत्तर भारत के राज्यों पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की मंडियों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन कॉटन की कीमतें स्थिर बनी रही, जबकि इन राज्यों की मंडियों में कपास की दैनिक आवकों में सुधार आया। आईसीई कॉटन वायदा के भाव में सोमवार को तेजी का रुख रहा था। जुलाई 24 वायदा अनुबंध में इसके दाम 0.32 सेंट तेज होकर 77.63 सेंट हो गए। अक्टूबर 24 वायदा अनुबंध में इसके दाम 0.32 सेंट बढ़कर भाव 76.06 सेंट हो गए। मार्च 25 वायदा अनुबंध में इसके दाम 0.39 सेंट तेज होकर भाव 77.06 सेंट हो गए। हालांकि आज आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में कॉटन की कीमतों में मिला जुला रुख रहा। उत्तर भारत की कपास उत्पादक क्षेत्रों में मौसम साफ है। व्यापारियों के अनुसार आईसीई के इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में आज कॉटन की कीमतों में मिला जुला रुख रहा है, जबकि उत्तर भारत के राज्यों की स्पिनिंग मिलों की खरीद सीमित ही बनी रहने से भाव दूसरे दिन भी स्थिर हो गए। इन राज्यों की अधिकांश जिनिंग मिलें कच्चे माल की कमी के साथ ही गर्मी बढ़ने से उत्पादन बंद कर चुकी हैं, तथा कॉटन की मौजूदा कीमतों में जिनर्स को पड़ते भी नहीं लग रहे। हालांकि घरेलू बाजार में सूती धागे की स्थानीय मांग उम्मीद के अनुरूप बढ़ नहीं पा रही है, इसके बावजूद भी घरेलू बाजार में कॉटन की कीमतों में तेजी मंदी आईसीई कॉटन वायदा के भाव पर ही निर्भर करेगी। इन राज्यों में कपास के दाम स्थिर हो गए, जबकि बिनौला की कीमतें तेज हुई। इन राज्य की उत्पादक मंडियों में कपास की आवक 1,400 गांठ 1,170 किलोग्राम की हुई, जबकि पिछले कार्य दिवस में आवक 1,300 गांठ की हुई थी। कपास के भाव पंजाब एवं हरियाणा लाइन की मंडियों में 6,500 से 6,900 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए, जबकि ऊपरी राजस्थान लाइन में इसके भाव 6,600 से 7,000 रुपए प्रति क्विंटल रह गए। बिनौला के भाव पंजाब और हरियाणा लाइन में 2,350 से 2,850 रुपए एवं ऊपरी राजस्थान लाइन में 2,450 से 2,950 रुपए प्रति क्विंटल बोले गए। पंजाब में रुई हाजिर डिलीवरी के भाव 5,750 से 5,775 रुपए प्रति मन यानी कैंडी के हिसाब से 54,700 से 55,000 रुपए बोले गए। हरियाणा में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव 5,675 से 5,700 रुपए प्रति मन यानी कैंडी में 54,000 से 54,300 रुपए बोले गए। ऊपरी राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव 5,450 से 5,850 रुपए प्रति मन यानी कैंडी में 51,900 से 55,700 रुपए बोले गए। राजस्थान के पिलानी में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के 5,450 से 5,850 रुपए प्रति मन बोले गए। वहीं लोअर राजस्थान में रुई के भाव हाजिर डिलीवरी के भाव 57,000 से 57,300 रुपए कैंडी हो गए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपके काम आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर डिटेल और रिसर्च रिपोर्ट के लिए हमसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो कॉल करें 9414056705 या 9887056704 पर। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ।